राम राम दोस्तों। दोस्तों आज का मार्केट में काफ़ी कुछ सीखने लायक है, क्योंकि आज हमें एक पॉजिटिव साइड मोमेंटम भी मिला है और फिर मार्केट ने नेगेटिव साइड मोमेंटम भी दिखाया है। और जो ये रिजेक्शन मिला है ये भी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन से मिला है 51,000 से। और अगर निफ्टी फिफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी फिफ्टी पे हमारा फिबोनाची के अकॉर्डिंग एक रेजिस्टेंस जोन था जो हमने कल डिस्कस किया था 23,783। लेकिन जो लर्निंग छिपी हुई है वो इसी जोन में छिपी हुई है, चाहे हम निफ्टी फिफ्टी की बात करें चाहे हम बैंक निफ्टी की बात करें। तो इसलिए वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना, वीडियो लंबा जरूर हो सकता है लेकिन सीखने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी कि जो ये रिवर्सल में मोमेंटम आया है, ये देखो मार्केट को इतना ऊपर जाने में लगभग आधे दिन से ज्यादा लग गया, लेकिन जब रिवर्सल मोमेंटम आया मार्केट कुछ ही मिनटों में नीचे आपको दिखाई दिया। तो यही चीज हमें पकड़नी है, यहीं से प्राइज एक्शन हमें सीखना है। तो इस तरह के प्राइज एक्शन को कैसे समझा जाता है वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। फिर कल के सेटअप और स्ट्रेटजी का भी डिस्कशन करेंगे कि किस अप्रोच के साथ आपको मार्केट को देखना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको लेके चलता हूं बैंक निफ्टी की तरफ। देखो सिंपल सी एक अप्रोच है, चलो पहले मैं आपको निफ्टी फिफ्टी पे समझाता हूं। निफ्टी फिफ्टी पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज बन रही है, सेम ही सिनेरियो बैंक निफ्टी पे भी है, वो भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे। देखो मार्केट में एक मोमेंटम आया, ये प्राइज एक्शन बन रहा है, ठीक है। रूल क्या कहता है, अगर मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है तो क्या ट्रेंड चेंज होने से पहले मार्केट ने हमें पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन दिया है, नहीं दिया है भाई। नेगेटिव साइड आप क्या कब सोचेंगे, भले ही हमें यहां पे रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन मिल रहा हो लेकिन हम तो अपना एक प्राइज एक्शन जानते हैं ना, हायर हाई हायर लो, ये भी हायर हाई हायर लो। हम नेगेटिव साइड तब अप्रोच होंगे अगर मार्केट अपने हायर लो का ब्रेकडाउन दे देगा। फिर आपके मन में एक सवाल आएगा, तो इस नेगेटिव इस रिजेक्शन का हमारे लिए कोई मतलब है कि नहीं? बिल्कुल है, स्कैल्पिंग कीजिए भाई। अगर आप स्कैल्पिंग टेक्निक के बारे में जानते हैं तो स्कैल्पिंग पे काम कीजिए भाई। मेन प्राइज एक्शन तो हमारा नेगेटिव साइड तब बनेगा ना जब पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन दिया जाएगा। अब जितने भी लोग यहां पे नेगेटिव साइड पोजीशन बना के बैठे होंगे, ये देखो मार्केट यहीं पे साइडवेज हो गया, क्या इसने पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन दिया? बिल्कुल भी नहीं दिया। तो ये पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड भी हो गए होंगे और ट्रैप भी हो गए होंगे, काफी लोग अपनी पोजीशन कट करके भाग भी गए होंगे मार्केट से, या काफी लोगों का सबर भी टूट गया होगा कि भाई मार्केट तो साइडवेज हो गया और ये मोमेंटम उन्होंने मिस कर दिया होगा। लेकिन जो प्राइज एक्शन समझते हैं उन्होंने पिछले हायर लो के ब्रेकडाउन का इंतजार किया होगा, और मार्केट ने सिर्फ ब्रेकडाउन ही नहीं दिया, आपको डबल कंफर्मेशन भी दिया है। डबल कंफर्मेशन क्या है, हायर लो का ब्रेकडाउन देके रीटेस्ट करके प्राइज एक्शन बनाया गया है। समझो चीज को भाई, प्राइज एक्शन पे ज्यादा फोकस करो। काफी लोगों ने यहां पे नेगेटिव न्यूज पे फोकस किया होगा, काफी लोगों ने पॉजिटिव सिनेरियो पे फोकस किया होगा, कुछ भी नहीं, सिंपल प्राइज एक्शन को समझो। इसलिए अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा। 75% का ऑफ चल रहा है, 6 दिन बाद में ये ऑफर खत्म कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इससे पहले ही ऑफर खत्म कर दिया जाए आप जाके अपनी लर्निंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं आपको और इंटरेस्टिंग चीज समझाता हूं। एक बार हम बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं, यहां पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो दोस्त, जो मैं चीजें आपको समझा रहा हूं ये लोग आपको कोर्सेज में सिखाते हैं, मैं यहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा अपना टाइम दो और इन चीजों को ध्यान से समझो, चाहे 2 बार आपको वीडियो देखना पड़े। अब ध्यान दो, सिनेरियो को समझो, क्या यहां पे भी सेम प्राइज एक्शन बन रहा है? ध्यान दो, हाई बना लो बना, हायर हाई बना हायर लो बना, हायर हाई बना हायर लो बना। अब ये हमें हायर लो मिल गया है, तो अगर मार्केट यहां से रिजेक्शन ले रहा है
तो क्या आप नेगेटिव साइड पोजीशन बनाएंगे? ट्रेंड हमें क्या कह रहा है? ट्रेंड हमें ये कह रहा है जब तक हायर लो का ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ ऊपर एक रिजेक्शन जोन है, स्केल्पिंग जरूर कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव साइड की अप्रोच हम तब करेंगे जब हमें हायर लो का ब्रेकडाउन मिलेगा। तो इसलिए प्राइज एक्शन को समझने पे ज्यादा समय दो, ज्यादा फोकस करो, वहां से आपको मार्केट में काफी क्लियरिटी मिलेगी। देखो यहां पे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है प्राइज एक्शन के अकॉर्डिंग, अपॉर्चुनिटी आपके लिए बैंक निफ्टी में यहां पे भी बनी है। वो कैसे, मैं अभी आपको समझाता हूं। भाई हमने ये डिस्कस किया था कि अगर पॉजिटिव मोमेंटम आएगा तो आपको ट्रेड नहीं करना है, अगर मार्केट सीधे ही मोमेंटम कर रहा है, रिट्रेसमेंट का इंतजार करना और उस रिट्रेसमेंट में देखना सेलर्स कितना स्ट्रोंग है। अगर सेलर स्ट्रोंग ना हुआ तो मार्केट पॉजिटिव साइड जा सकता है, तो इसका मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन हम ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो हम हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे। ये डिस्कशन किए थे हमने। अब यहां पे सिनेरियो को समझो, मार्केट ने आपको एक गैप अप ओपनिंग दी और फिर मार्केट रिटेस्ट करने आया अपने प्रीवियस डे हाई को, सपोर्ट लेके बाउंस मारा। क्या यहां पे सेलर्स स्ट्रोंग है? बिल्कुल भी नहीं। नीचे से ये दो आपको नेगेटिव कैंडल दिखाई दे होगी, दोनों में नीचे से अच्छी खासी बाइंग आई है। अगर आप पहली कैंडल पे फोकस करोगे इतनी बड़ी आपको नीचे लोअर शेडो दिखाई देगी जो क्लियर क्लियर आपको बता रही है कि कहीं ना कहीं प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट लिया जा रहा है। तो क्या सिर्फ इसी बेस पे हम पॉजिटिव साइड ट्रेड लेके बैठ जाए? बिल्कुल भी नहीं। हम इंतजार करेंगे अपने ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट का। तो यहां पे आपके लिए कौन सा सेटअप बनेगा? ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप। और ये सेटअप आपको कहां मिलेगा? बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजी वाले कोर्स में आपको ये मिल जाएगा। इस पे भी 75% ऑफ है, जल्दी मैं ये ऑफर खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का, आप अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जानता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी मैंने आपको समझाया। देखो ये कितना बेहतरीन मोमेंटम बन रहा है, आप हर उस पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। लेकिन यहां पे भी मैंने आपको एक प्राइज एक्शन समझाया हुआ है। क्या प्राइज एक्शन है? अगर इस रेजिस्टेंस जोन का सीधे ब्रेकआउट मिल जाता है, रेजिस्टेंस जोन क्यों है? राउंड लेवल है 51,000। अगर इसका सीधे ब्रेकआउट मिल जाता तो हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहां पे डाल देते। लेकिन अगर मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, जहां भी आपको 2 से 3 कैंडल साइडवेज जाती हुई दिखाई दे जाए, अगर आप पोजीशन में हैं तो आपको वहां से एग्जिट कर देना चाहिए। इसे आप टाइम स्टॉप लॉस भी कह सकते हैं। और जो इन चीजों को समझेगा, देखो अपॉर्चुनिटी आज आपको कुछ देर बाद मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, परसों मिल जाएगी, अगले महीने मिल जाएगी, अगले साल मिल जाएगी, कभी भी मिल सकती है अगर आपके पास कैपिटल है। अगर आपका कैपिटल ही चला गया आपकी छोटी छोटी गलतियों के कारण, तो आप मार्केट में वो अप्रोच से मार्केट को पकड़ नहीं पाने के, उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठा पाने के। तो इसलिए पहले मनी मैनेजमेंट सीखो। मनी मैनेजमेंट अगर आपको आ गया, फिर अपनी थोड़ी सी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डेवलप करो। ये सारी चीजें डिटेल में मैंने आपको बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज वाले कोर्स में डिटेल में समझाई हुई है। ये अभी तक का मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स है, इस पे भी 75% का ऑफ है। आइए डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको यहां पे समझाता हूं। वन डे के टाइम फ्रेम पे कुछ डिस्कशन करते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे हमारे पहले क्या डिस्कशन हुए थे? हमारे ये डिस्कशन हुए थे कि 0.5 का वो जोन है जहां से मार्केट बाउंस कर सकता है, लेकिन मार्केट ने दिया इसका ब्रेकडाउन। फिर हम ये सोच रहे थे कि 0.618 का वो जोन है जहां से मार्केट बाउंस कर सकता है, क्योंकि ये दो ही जोन है जो मार्केट को बाउंस करवा सकते हैं, लेकिन वहां तक मार्केट पहुंचे ही नहीं। इवन जब इसका ब्रेकडाउन दिया 0.5 का, यानी कि 50,287 का जब हमें ब्रेकडाउन मिला, इसके बाद भी हमें कोई फॉलोअर कैंडल नहीं मिली। तो इसका मतलब क्लियर क्लियर हमें यहां से यह समझ में आ रहा था कि मार्केट में कहीं ना कहीं सेलर्स इससे नीचे स्ट्रांग नहीं है, ये एक फेक ब्रेकडाउन दिया गया है। अगर हमें इसके बाद फॉलोअर कैंडल मिल जाती, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस वाले सिनेरियो को देखोगे, हर एक इंपॉर्टेंट लेवल के ब्रेकडाउन के बाद आपको एक फॉलोअर कैंडल मिली है,
इस वाले सिनेरियो को समझो, इसका ब्रेकडाउन मिला तो उसके बाद आपको फॉलोअर कैंडल मिली है, यहां पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया उसके बाद आपको फॉलोअर कैंडल मिली है। जब भी फॉलोअर कैंडल बनती है तो हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है कि हाँ हम राइट मोमेंटम में है, लेकिन जब भी फॉलोअर कैंडल न बन के इनसाइड कैंडल बन जाए, यहां पे आपको इनसाइड कैंडल का सिनेरियो देखने को मिला है। इनसाइड कैंडल पे किस तरीके से काम किया जाता है उस पे भी मैंने आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड की हुई है, चैनल पे आप सर्च करेंगे तो आपको वहां से मिल जाएगी। लेकिन हमारा मतलब उनसे नहीं है, हमारा मतलब है प्राइस एक्शन को समझने से। प्राइस एक्शन को अगर आप समझोगे, आज की कैंडल पे फोकस करोगे, आपको कुछ इस तरह की कैंडल देखने को मिली है। क्या इस कैंडल में ऊपर से सेलिंग आई है? बिल्कुल आई है। क्या इस कैंडल में नीचे से बाइंग आई है? बिल्कुल आई है, लेकिन बाइंग उतनी स्ट्रोंग नहीं है। बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जरूर गए थे, लेकिन सेलर्स अभी भी पावरफुल है। और जो ये रिजेक्शन बना है ये 51,000 पे बना है, ये बात भी हमने नोट कर ली। इसके जस्ट ऊपर हमारा एक और रेजिस्टेंस जोन है 51,273, यानी कि यहां से हमने आज हमें एक नया पॉइंट पता चल गया कि 51,273 हमारे लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। इस जोन में हम नया कुछ प्लान नहीं करेंगे। हाँ, अगर हम पहले से ट्रेड में बैठे हुए हैं, मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चल रहा है, तो हम इन रेजिस्टेंस जोन पे जो कि ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट बन जाएंगे, तो यहां पे आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल जरूर कर सकते हैं, लेकिन कुछ नया इस बीच प्लान नहीं करेंगे। तो फिर हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, क्या सेटअप रहेगा, आइए उस सिनेरियो को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। इसके लिए मैं आपको टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूं, तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। आइए सिनेरियो को समझते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था, एक बात क्या समझाई थी कि ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम पे अभी भी नेगेटिव है। क्या छोटे टाइम फ्रेम पे सिचुएशन चेंज हुई है? बिल्कुल, लेकिन उतनी स्ट्रांग नहीं है। क्या सिचुएशन चेंज हुई है? हमारा लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन यहां पे बनता हुआ दिखाई दे रहा था, मार्केट ने यहां अपने लोअर लो का ब्रेकडाउन नहीं दिया था, यहां से मन में कॉन्फिडेंस आया था कि पॉजिटिव सिनेरियो बन सकता है। लेकिन पॉजिटिव साइड भी मार्केट ने अपने लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया था, लेकिन आज ब्रेकआउट भी दिया और रिटेस्ट भी कर दिया, तो हमारे लिए मार्केट ने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। अगर ब्रेकआउट देके मार्केट लोअर लो का फॉर्मेशन, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करता हुआ ऊपर की तरफ मोमेंटम करता, तो कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव साइड रिस्क ले सकते थे, भले ही हाफ क्वांटिटी में लेते। लेकिन मार्केट ने आज पॉजिटिव मोमेंटम देके एक रिवर्सल प्लान करके फिर से उसी सिनेरियो पे मार्केट ने लाके खड़ा कर दिया है। तो अगर पॉजिटिव साइड मोमेंटम आता है तो गलती से भी फुल क्वांटिटी में अभी आपको नहीं जाना चाहिए, आपको हाफ क्वांटिटी में ही काम करना चाहिए। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए क्या रहेगा? 51,000, जो कि एक राउंड लेवल है और यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है। इसका ब्रेकआउट मिला तो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 51,273 है। ध्यान ये रखना, इस बीच कुछ नया प्लान मत करना। अगर आप पहले से ट्रेड में बैठे हुए हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए मोमेंटम को एंजॉय करना। लेकिन अब कंफ्यूजन है नेगेटिव साइड का, अब थोड़ा सा ध्यान दो। क्या ये पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था हमारे लिए? बिल्कुल बना हुआ था। क्या मार्केट ने ब्रेकआउट देके यहां पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है? बिल्कुल एक्ट कर रहा है। तो यानी कि पहली कंडीशन हमें समझ में आती है कि अगर नेगेटिव साइड मूव देना है, इस सपोर्ट जोन का मार्केट को ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, सपोर्ट जोन का। अब यहीं पे हमारा प्रीवियस डे लो भी है, ये भी हमें दिखाई दे रहा है। अब हमें एक बात और दिखाई दे रही है, यहां पे अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया तो आपके लिए सेटअप बन जाएगा प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप। लेकिन जितने लोगों ने कोर्स किया है वहां पे रूल नंबर 2 भी समझाया गया है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? अगर नजदीकी सपोर्ट है
तो आपको सेटअप पे काम नहीं करना, किसी भी स्ट्रेटजी पे काम नहीं करना। अब काफी लोग कहेंगे यहां पे नजदीकी कौन सा सपोर्ट बैठा है, बिल्कुल बैठा है ये वाला एक सपोर्ट जोन बैठा हुआ है 50,287। कौन सा है? फिबोनाची के अकॉर्डिंग कौन सा लेवल है? 0.5 है। क्या मार्केट ने पहले भी इसकी रेस्पेक्ट करी है? बिल्कुल की है। 14 को देखो, 18 को देखो, यहां पे मार्केट ने पहले एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और जब 18 को ब्रेकआउट दिया तो इसने एक मजबूत सपोर्ट की तरह एक्ट किया। यानी कि इस बीच आपको नेगेटिव साइड ट्रैप नहीं होना है। काफी लोग यही कमेंट करते हैं या मन में यही सोचते हैं कि मार्केट तो अपने प्रीवियस डे लो से नीचे चल रहा है, नेगेटिव साइड पोजिशन बनाई, फिर बाउंस कैसे आ गया। इसीलिए मैंने कोर्स में रूल नंबर 2 डाला है जो कि मैंने डिटेल में आपको समझाया है कि देखो सेटअप स्ट्रेटजी कुछ भी नहीं होता है, वो इंसान अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाता है। भाई ये रूल नंबर 2 मैंने क्यों डाला? ताकि मैंने सिनेरियो को समझा कि भाई जब भी नजदीकी सपोर्ट होता है मार्केट के बाउंस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, तो इसलिए क्यों ना उस सपोर्ट जोन को कंसिडर कर लिया जाए कि उस सपोर्ट जोन पे क्या बिहेवियर है ताकि ट्रैप ना हो, तो इसलिए वो एक चीज डाल दी। तो इसलिए देखो चीजों को मॉडिफाई करो अपने अकॉर्डिंग भी, अपने उसमें पर्सनल एक्सपीरियंस डालो, ऑब्जर्वेशन करो। किसी दूसरे के ऊपर अगर पूरी तरीके से डिपेंड बैठोगे, क्योंकि समय के अनुसार चीजें बदलती रहती है, इसलिए अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लेना सीखो। पहले सामने वाले से चीजें सीखो और फिर जब को वो आ जाए आपको उसमें थोड़ा सा अपना भी तड़का लगाओ। समझ में आ गई? तो यानी कि नेगेटिव साइड हम कब सोचेंगे? जब मार्केट 50,287 का ब्रेकडाउन देगा तब हम नेगेटिव साइड प्लान करेंगे। इस बीच हम शांति से बैठे रहेंगे प्रीवियस डे लो से लेकर 50,273 तक। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां बनेगा? 50,000, जो कि एक राउंड लेवल है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो मार्केट में आपको और भी ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम मिल जाएगा। एक गैप डाउन ओपनिंग का भी सिनेरियो हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो को अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये देखो, ये आपका क्या हो गया? प्रीवियस डे लो हो गया। ये आपके लिए क्या हो गया? 50,287 हो गया। तो इस बीच कहीं भी गैप डाउन ओपनिंग आपको मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, ये हमारे किसी भी काम की नहीं है। ना तो ये पॉजिटिव साइड के लिए काम की रहेगी, क्योंकि अगर गैप डाउन ओपनिंग देके मार्केट पॉजिटिव चला तो दो रेजिस्टेंस मिल जाएंगे। कौन सा? प्रीवियस डे क्लोजिंग भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और प्रीवियस डे लो भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अगर नेगेटिव साइड जाएगा तो नीचे ये सपोर्ट बैठा हुआ है, या तो मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चल जाए तब पॉजिटिव साइड सोचेंगे, या फिर मार्केट इसके नीचे चला जाए 50,287 तब नेगेटिव साइड सोचेंगे। समझ में आ गई? क्लियर हो गई? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? एक बात हो, गैप अप ओपनिंग पे आपको ध्यान क्या रखना है? जैसे दो गैप अप ओपनिंग देखो, मैं आपको दोनों ही एग्जाम्पल समझाता हूं। आज की एक बैंक निफ्टी की गैप अप ओपनिंग देखो और एक निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में गैप अप ओपनिंग मिली और क्लियर क्लियर मार्केट ने मोमेंटम दे दिया। ये गैप अप ओपनिंग इस तरह की मुझे बहुत रिस्की लगती है और इस तरह की ट्रेड को मैं अवॉइड भी करता हूं। लेकिन काफी लोग सोचेंगे अगर इसमें हम घुसते तो बहुत बेहतरीन मोमेंटम मिल जाता। नहीं, ऐसी सिचुएशन पे मैं रिट्रेसमेंट का इंतजार करता हूं। यहां पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया तो मैं यहां पे देखूंगा कि सेलर्स कितने स्ट्रांग है, तब मैं कुछ प्लान करूंगा, उससे पहले प्लान नहीं करूंगा। लेकिन बैंक निफ्टी की जो गैप अप ओपनिंग हुई है वो अलग हुई है। अगर आप इसे ध्यान देंगे, गैप अप ओपनिंग यहां पे भी जरूर, लेकिन मार्केट ने आपको यहीं पे मोमेंटम दे दिया, यहीं पे अपॉर्चुनिटी दे दी, क्योंकि ये सीधे सीधे मोमेंटम नहीं है, इसने इसे रिटेस्ट किया, प्राइस एक्शन बनाया, ट्रेडिंग डे हाई बनाया और ब्रेकआउट दे दिया। यानी कि इसने आपको एंट्री करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे दिया और उसी प्लेटफॉर्म का आपने बेनिफिट उठाया और उसमें कूद गए और आपको बेनिफिट मिल गया। लेकिन निफ्टी 50 में वो बेनिफिट आपको शुरुआत में नहीं मिला है, इसने जो मोमेंटम दिया है वो अपॉर्चुनिटी, ये देखो सीधे सीधे दे दी अपॉर्चुनिटी, यहां पर रिट्रेसमेंट के दौरान बनी है। तब हमने देखा कि भाई सेलर्स कितना स्ट्रांग था या बायर्स कितना स्ट्रांग था, तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनी है। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी, राइट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करो, वो सबसे बेहतर चीज होती है। काफी लोग यहां पे सोचेंगे कि मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया, क्या इस सेटअप पे काम कर लो? बिल्कुल भी नहीं। भले ही हमें यहां पे किसी ने काम किया होगा उसका प्रॉफिट जरूर हो गया होगा, लेकिन ये ट्रेन तो पहले से चलती हुई आ रही है ना।
अगर ये यहां पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देता तो बहुत अच्छी बात थी, ये अगर सीधे भी ब्रेकआउट दे रहा है एक बार रिटेस्ट करके प्राइस एक्शन बना देता तब भी वो एक राइट अप्रोच हो सकती थी मार्केट में घुसने के लिए, लेकिन ऐसे राइट अप्रोच नहीं बनती है। अगर निफ्टी फिफ्टी की बात करें, निफ्टी फिफ्टी का भी सिनेरियो हम देख लेते हैं, मार्केट ने रिजेक्शन लिया है बहुत बेहतरीन जोन से 0.5 से, जो कि है 23,783। देखो चीजें कितनी परफेक्ट हो सकती है ये आपके एनालिसिस पे भी बहुत डिपेंड करता है, अगर आप राइट अप्रोच से, अगर कोई देखो फिबोनाची ड्रॉ करना अगर कोई नहीं जानता, प्राइस एक्शन तो समझते हो ना, ध्यान दो थोड़ा सा, जो पहले सपोर्ट था आपके लिए आज इसी ने रेजिस्टेंस की तरह किया है, बहुत ही सिंपल सा प्राइस एक्शन है, सपोर्ट था ब्रेकडाउन मिला तो रेजिस्टेंस की तरह करा, ये मैं आपको कब से कितने सालों से समझाते आ रहा हूं, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि समझाते हुए आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं, लाइक कीजिए वीडियो को। तो हमें ध्यान क्या रखना है, टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, मैं आपके लिए यहां पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूं, अगर पॉजिटिव सिनेरियो बना तो एक बात ध्यान रखना 23,500 का ब्रेकआउट होने देना, तो आपके लिए जो रेजिस्टेंस जोन बनेगा, पहला रेजिस्टेंस आपके लिए यहीं पे बन सकता है 23,600, इसका भी ब्रेकआउट मिला तो आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है आपके लिए, प्रीवियस डे हाई भी बैठा है और फिबोनाची के अकॉर्डिंग 23,783 है, दोनों पास में ही है। वहीं पे अगर आपको नेगेटिव साइड मोमेंटम मिलता है तो देखो प्रीवियस डे लो का तो ब्रेकडाउन मिल ही जाएगा क्योंकि दोनों पास में ही है, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी और प्रीवियस डे लो भी आपके बिल्कुल पास में बैठे हुए हैं, तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा जो ये 18 का डे लो है ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा, अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको और भी ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। आइए एक नजर फिन निफ्टी पे भी डालते हैं, फिन निफ्टी पे हमें क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है, पहले मार्केट ने यहां पे एक रेंज बनाई थी, क्या आपको ये नहीं लगता कि अब मार्केट 3 दिन से या 4 दिन से आप कहिए अपनी एक नई रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है, पहली चीज नोटिस करो। दूसरी चीज नोटिस करो, जो पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट था यहां पे ब्रेकडाउन मिलके वो रेजिस्टेंस बना, फिर ब्रेकआउट मिलके फिर इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया, और फिर यहां पे देखो फिर इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया, और अब ब्रेकडाउन मिलके क्या है आपको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। देखो सिंपल सिंपल प्राइस एक्शन को समझो और इन्हें अप्लाई करने की कोशिश करो, वहां से आपको मार्केट के बारे में बहुत क्लियरिटी मिलेगी और आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आपको बेनिफिट भी मिलेगा। अगर हम यहाँ पे टाइम फ्रेम को चेंज करके देखें तो अगर पॉजिटिव सिनेरियो बना तो पहला रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई रहेगा, ब्रेकआउट मिल गया तो 23,531 हो सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो ध्यान ये रखना इस जोन में एक साइडवेज रेंज पहले भी मार्केट क्रिएट कर चुका है, अगर दोबारा क्रिएट कर दे तो ताज्जुब मत करना। लेकिन फिर भी अगर सपोर्ट की बात करें, ये हमने 13 को भी देखा था और 14 को भी देखा था, मार्केट ने इस जोन पे सपोर्ट लिया था प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, और यहीं पे हमारा फिबोनाची के अकॉर्डिंग 23,078 का जोन भी है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटी आपके लिए हो सकती है। वहीं पे अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी 0.5 के जोन से बहुत बेहतरीन सेलिंग आई है, जो कि पहले आपके लिए सपोर्ट था तो इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा प्राइस एक्शन है। तो यहां पे भी आप ध्यान क्या रखेंगे, अगर आपको नेगेटिव सिनेरियो बनता है मार्केट में तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा, 18 का जो डेलो है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने की पॉसिबिलिटी है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी और राउंड लेवल भी है। अगर पॉजिटिव सिनेरियो बना तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 78,000 रहेगा, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो प्रीवियस डे हाई आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। दोस्तों अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा, फिलहाल 75% का ऑफ चल रहा है, जल्दी मैं ये ऑफर खत्म कर दूंगा, लर्निंग पे जरूर फोकस करें, मेरे सेटअप और स्ट्रेटजी सीखिए, नए हो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।